देखो धर्मशास्त्र अलग वस्तु है और पुराण अलग वस्तु है। हम पुराण की कथा में कुशल हो लेकिन कोई धर्मशास्त्र में कुशल होता है तो धर्मशास्त्र से संबंधित जो बातें हैं वो धर्मशास्त्र का जो ज्ञाता है उससे पूछना चाहिए कि कौन देव को कौन पुष्प चढ़ेगा, कौन पुष्प फूल नहीं चढ़ेगा, कौन वर्ज्य है, कौन देव कौन पुष्प से या कौन चीज से प्रसन्न होते हैं, दुर्वा गणेश को, बिल्व पत्र भगवान शंकर को, और चढ़ाना है और उल्टा करके चढ़ाना है, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है, चरणों में समर्पित करना है, हो सके तो सीधा पान हो, उसका पत्ता हो, पत्र हो, इस तरह से। ये सब शास्त्र विधि है और शास्त्र विधि को समझते हुए पूजा यज्ञ यह सब करना चाहिए। जैसे रसोई की भी विधि होती है कि नहीं बहनों, कौन सी रसोई कैसे बनाना, पहले छोंक देना और फिर दाल, नहीं पहले दाल बनाओ फिर छोंको, उसमें फिर छोंक देते हैं और अलग अलग पद्धति होती है उसकी। तो जिस रसोई को बनाने की जो भी विधि होती है तदनुसार आप रसोई बनावें और रसोई में एक स्वाद आता है, वो रसोई पोषण करने वाला वो अन्न ब्रह्म का रूप माना गया है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः। विधि विधि के जो ज्ञाता हो, हमारे यहां ब्रह्मा जी का भी एक नाम है विधि और वे नियम बनाते हैं, डूज एंड डोंट्स। धर्म क्या है? डूज एंड डोंट्स। इसलिए धर्म के दो रूप है, विधि और निषेध। करने योग्य जो है वो करना, ये विधि रूप धर्म कहलाता है, और न करने योग्य जो है वो न करना, वो निषेध रूप धर्म कहलाता है। दान करना ये विधि रूप धर्म हो गया, चोरी न करना ये निषेध रूप धर्म हो गया। अस्तेय विधि निषेधमय कलिमल हरनी। तो सभी धर्मों में डूज एंड डोंट्स है, ये करो ये न करो। महापुरुषों के द्वारा यह समझाया गया। तो धर्मशास्त्र कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, ये सब समझो। और इसलिए आप विधि पूजा विधि में भी बैठते हो तो पहले हाथ में संकल्प, आपके हाथ में जल दे करके संकल्प लिवाया जाता है। ये संकल्प का अर्थ ही है सम्यक कल्पना, क्या करने जा रहे हैं हम, क्यों करने जा रहे हैं, कहां, कब, किनके द्वारा, आदि आदि बातों की सम्यक कल्पना सबसे पहले अपने मन में बिठा लेना, उसको कहते हैं संकल्प। आजकल जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बीबीए एमबीए कर रहे हैं, उनकी भाषा में कहूं तो संकल्प इज नथिंग बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहले सब सोच लेना चाहिए, बिजनेस शुरू करने से पहले, फैक्ट्री लगाने से पहले, पहले संकल्प अपने मन में बिठा लेना चाहिए, यानी सम्यक कल्पना। फैक्ट्री कहां लगेगी, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वाटर एंड पावर की क्या स्थिति रहेगी, लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है यदि तो स्किल्ड लेबर अवेलेबल है कि नहीं, यदि है तो लेबर यूनियंस और लेबर प्रॉब्लम्स किस प्रकार के हैं,
एंड बायर कौन है, वहां तक ये सामान कैसे पहुंचेगा, आदि आदि बातों की सम्यक कल्पना सबसे पहले अपने मन में बिठा लेना संकल्प है। आप ये जो कर्मकांड है ना, इसको भी आप समझो, ये केवल ऐसे ही नहीं बना लिया गया। तो क्योंकि जल होता है पवित्र और जल है जीवन, बस उसी प्रकार आप जीवन के लिए ये सब कर रहे हो और आप पवित्र भाव से करो, बुरे भाव से मत करना कोई भी काम। मेरे इस कार्य से मेरा नुकसान होगा कि फायदा होगा, मेरा कल्याण होगा कि मेरा पतन होगा, ये सोच लो। मेरे इस कार्य से मेरे परिवार का फायदा होगा कि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचेगा, उसकी कल्पना पहले कर लो। मेरे इस कार्य से समाज का भला होगा कि समाज का नुकसान होगा, पहले कल्पना स्पष्ट कर लो। मेरे इस कार्य से मेरे देश को फायदा होगा कि मेरे देश का नुकसान होगा, सोच लो। मेरे इस काम से मानवता का कल्याण होगा कि मानवता का नुकसान होने वाला है, ये पहले मन में बिठा। जैसे पानी पवित्र है, आपका संकल्प भी पवित्र हो, आपका संकल्प शिव हो। इसलिए हमारे वेद कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो। तुमको पता है भगवान भोलेनाथ को, शिव को पानी बहुत पसंद है। देखो अखंड जलधारा चलती ही रहती है, तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। शिव संकल्प हो, कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शंकर, शंकरोतीति, जो कल्याण करते हैं उसको शंकर कहते हैं। शिव कल्याणकारी, और क्योंकि जल ही जीवन है, तो ये जो आप कर रहे हो आपकी जीवन की आवश्यकता है, ये जीवन देने वाला है। पैसा जीवन के लिए है, याद रहे जीवन पैसे के लिए नहीं है, लेकिन पैसा जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए पैसा कमाना अर्थ, ये चार पुरुषार्थ में आया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन पहले धर्म, धर्म को छोड़कर अर्थ मत कमाना, धर्म को आगे रखना। धर्म छूट जाए इस तरह से अर्थ मत कमाओ, धन मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, नहीं तो पतन होगा। धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, तो संकल्प यानी सम्यक कल्पना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट।